दोस्तों, प्रीता चाहे कितनी भी अच्छी काम कर ले, लेकिन वो सबके नज़रों में गलत ही साबित होती है। जैसे कि आज का कहानी में देख लो, जब लूथरा परिवार के घर में अंशुमन पांडे फिर से आया पेपर वगैरह के बात करने के लिए, तो प्रीता उसके सामने खड़ी थी। तो भाई, अगर अपने घर वालों के साथ कोई गलत करेगा, उनके साथ कुछ अपशब्द बोलेगा, तो आखिर वो कैसे सह सकती है? लेडीज़ है, लड़की है, तो क्या हुआ, किसी के ऊपर थोड़ी वो चढ़ जाएगा, उसको तो जवाब मुँह तोड़ देना ही पड़ेगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि इनके घर में, जो करण लूथरा के परिवार में, जो दिमाग सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, जो हर किसी काम को एक अच्छे तरीके से सोच समझ कर किया जाए, तो वो चीज़ है प्रीता के अंदर। और वो कुछ भी समस्या होती है ना, कुछ भी समस्या अगर हो गया, तो वो पहले दिमाग से खेलती है कि इसका निवारण कैसा किया जाए, तो वो अपने दिमाग से चलती है। लेकिन उसका दिमाग सक्सेस होता है, लेकिन लोग उसे गलत ठहरा देते हैं, उनके घर वाले, उनकी दादी, चाची, जो भी है, करण की माँ वगैरह जितनी भी है, उनकी मौसी वगैरह, सारे लोग उनको गलत ठहरा देते हैं। क्योंकि आपको पता ही है, सच्चाई की जीत होती है, लेकिन सच्चाई की राह पर चलने वालों को काफ़ी सताया जाता है। तो कहानी इसी तरह से अभी ये चल रहा है कि प्रीता आज तक जितनी भी काम करी है, जितना भी उसने अपने परिवार के लिए, करण के लिए कुछ भी किया हो, लेकिन वो उनकी नज़रों में, सबके नज़रों में वो गलत ही है। तो आज क्या होता है ना कि भाई, सौर्या तो जेल के अंदर काफ़ी दिनों से है, आपको पता ही है, आप लोगों ने जो देखा होगा कहानी उनको पता है, सौर्या काफ़ी दिन से जेल के अंदर है, वो अभी तक जेल से बाहर नहीं निकला है। लेकिन राजवीर भी जेल के अंदर एक बार गया और फिर से वो बाहर निकल कर के फिर से जेल के अंदर घुस गया, क्योंकि उसको फिर से अंशुमन पांडे ने फंसाया। और अंशुमन पांडे को फंसाने का एक ही कारण था कि उसे करण लूथरा का पूरा प्रॉपर्टी चाहिए, वो अपने नाम करना चाहता है। इसके लिए वहाँ साजिश करके राजवीर को उसने फंसाया और जेल भिजवा दिया। अब वो वादा क्या करता है कि अगर राजवीर को जेल से बाहर निकालना चाहते हो, तो तुम्हें सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम करना पड़ेगा। तो करण लूथरा काफ़ी सोच समझने के बाद डिसीजन ले लिया है फाइनली कि मुझे, करण लूथरा परिवार का सारा प्रॉपर्टी मैं अंशुमन पांडे को दान कर दूंगा, उनके नाम कर दूंगा, लेकिन राजवीर को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, वो निकलेगा तभी। तो भाई, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, आप समझ सकते हो, एक बाप होकर अपने बेटे के लिए पूरी प्रॉपर्टी को दांव पे लगा दिया। और अभी आगे की कहानी बाकी है, पता नहीं वो क्या क्या दांव पे लगाएगा। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे साथ, अगर इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, अगर पहुँच गए हैं गलती से, तो बिल्कुल आप लोग एकदम हड़बड़ाइए नहीं, अच्छे जगह पर पहुँचे हैं और अच्छे चैनल पर पहुँचे हैं। आप लोग बस तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। अभी जो प्रीता है, प्रीता को फिर से गलत ठहरा दिया, जब अंशुमन पांडे ने कुछ बात कर रहा था करण लूथरा से प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में, तो प्रीता ने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि अंशुमन पांडे को बुरा लगा। ठीक है, जब उनको बुरा लगा, वो गुस्सा में होने लगा, तो अंशुमन पांडे बोलता है, क्या तुम ऐसी बोलोगी तो मुझे गुस्सा होकर यहाँ से जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपना काम किए बिना यहाँ से जा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो उनकी दादी लोग जो है, करण की माँ लोग जो है, वो प्रीता को ही गुस्सा में डांट देने लगी, उनको ही गलत ठहराने लगी कि तुम्हें पता नहीं, औरत जब दो लोग बात कर रहे हैं या बड़े बुजुर्ग, तुम्हें बोलना ज़रूरी है? तो उनको हमेशा ठुकराया जाता है, हर एक जगह पर ठुकराया जाता है। और निधि जो है, वो कान भर दिया जाके सौर्या को जेल के अंदर, वो सौर्या को बोला, सौर्या देखो, मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का सबसे बेस्ट मदर हूँ, और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा तुम करो, क्योंकि करण लूथरा राजवीर को बचाने के लिए सारी प्रॉपर्टी अंशुमन पांडे के नाम करने के लिए तैयार हो चुका है, और अब तुम्हारा क्या होगा? अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और वाकई में जब करण लूथरा ने इस डिसीजन को लिया, तब निधि को पसीना छूट गया कि अब मेरा कोई रास्ता बच ही नहीं रहा है, हम क्या करेंगे यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एकदम फ्रस्ट्रेशन में आ चुकी है, और वो जाके सौर्या को एकदम अपनी भाषा में सारा कान भर दिया
और सौरिया समझ भी गया। अब सौरिया लेगा राजवीर से, सॉरी करण से बदला। सौरिया बोल रहा है, मुझे स्टूपिड समझता था, मुझे बास्टर समझता था, अब मैं करण लूथरा को बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, एक एक करके बदला लूँगा। तो दोस्तों यही सीन चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहें हमारे साथ, नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलेगा। और हम मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। लव यू ऑल गाइज़।